राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया था और तेजस्वी प्रसाद यादव राजधानी पटना में जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर पहुंचे हैं। देखिए तस्वीरें, यहां पर जो आरक्षण वाला मामला है जिसको लेकर के नीतीश कुमार को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है और उसको लेकर के पार्टी के जितने भी कद्दावर नेता है, तेजस्वी यादव है, अब्दुल बारी सिद्दीकी है, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद है, राज्यसभा सांसद संजय यादव है, उसके अलावा नारायण चौधरी समेत जितने भी नेता है, कार्यकर्ता है यहाँ पर, वो सब लोग धरना प्रदर्शन में बैठे। उनका कहना है कि जो देश में जाति जनगणना एवं जो 65% आरक्षण वाला जो था, यानी उनकी जो सरकार थी उस वक्त जो है इसको लेकर के बड़ा जोर शोर से हंगामा हुआ था, 9वीं सूची में इसको डालने को लेकर के हमेशा से शुरू से मांग रही है। उन्हीं सारे मामले को लेकर के जो आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता वो प्रदेश कार्यालय का जो जगह है वहाँ उसके बाहर बैठे हुए और वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और खास तौर से नरेंद्र मोदी यानी एनडीए सरकार को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं और वो इसकी मांग पहले से भी उठती रही। हालांकि जनता दल यूनाइटेड ने भी इस मामले पर एक वक्त था कि जब तेजस्वी यादव के साथ बड़ा रुख था, लेकिन जैसे जैसे ये सारा मामला कोर्ट में गया और फिर उसके बाद सरकार जब गिरती चली गई इसको लेकर के लगातार आरजेडी के जो नेता है खासतौर से तेजस्वी प्रसाद यादव या उनके नेता जो है वो कार्यकर्ता है वो लगातार जो है इस मामले को लेकर के सियासी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के तहत आज पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना जो है वो आयोजित किया गया है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। आरक्षण को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने इसका दायरा बढ़ाया था, लेकिन जब ये मामला न्यायालय में चला गया उसके बाद सरकार लगातार घिरती चली गई और इसी सारे मुद्दों को लेकर के सियासी तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके जो पार्टी के नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार आरक्षण विरोधी है। इस मामले को लेकर के भारत बंद भी हुआ था और इन सारे मामलों को लेकर एक तरह से सियासी तौर पर जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी या जो विपक्ष के नेता थे वो ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार आरक्षण को समाप्त कर देगी, उसी तरह की हवा जो है सियासी हवा अब बनती हुई नजर आ रही है और विपक्ष के जो लोग हैं वो ये हंगामा कर रहे हैं कि नहीं, आरक्षण को 9वीं सूची में दाखिल करने की जो मांग है वो जनता दल यूनाइटेड पहले से उठा रही थी, लेकिन आखिरकार अब हुआ क्या कि इस मामले पर वो चुप्पी साधे हुई, इसलिए हम लोगों ने सर को भराने का फैसला किया और इसी मामले को लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव अपने नेताओं के साथ धरना पे बैठ गए हैं और ये राजधानी पटना के अलावा अलग अलग जिलों में यानी यहाँ पर भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता है, कार्यकर्ता है, संगठन है, वो सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 9वीं सूची में इसे दाखिल किया जाए ताकि बाद में कोई इसे छेड़छाड़ न करे। और आरजेडी लगातार ये कहते रहिए कि हमने जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण का जो दायरा है वो बढ़ाया, इन सारे मामलों को लेकर के नेता विपक्ष अपने नेताओं के साथ प्रदेश कार्यालय का जो दफ्तर है उसके बाहर एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं।